सिंघम की कार्रवाई से नेता नाराज, फेरी वाले खुश। बीएमसी अधिकारी के बचाव में आए फेरी वाले। मलाटपुर रेलवे स्टेशन के बाहर फेरी वालों ने पुलिस और नेताओं का जमकर विरोध किया और बताया कि कैसे नेता अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर पहले हफ्ता वसूली करवाते हैं और जब हफ्ता नहीं मिलता तो बीएमसी अधिकारियों को बुलवाकर कार्रवाई करवाते हैं। मलाड में यह कोई नया मामला नहीं है बल्कि पूरे मुंबई में फेरी वालों को संभालने वाले नेता ही है और नेता ही फेरी वालों को गुमराह करते हैं, जिसमें खलनायक वही बीएमसी अधिकारी बनता है और हीरो वहां के नेता बनता है। दरअसल मामला मलाटपुर कुरान ब्रिज की हद में 6 जून को नेताओं के इशारे पर मलाटपुर टी नॉर्थ मनपा विभाग ने अवैध फेरी वालों पर कार्रवाई की थी, जिसमें कार्रवाई के दौरान नेताओं के ही कुछ पदाधिकारियों ने अविनाश कांबले नामक बीएमसी अधिकारी और बीएमसी कर्मचारियों के साथ बदसलूकी और गाली गलौज करते हुए सुनाई दे रहे, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इसकी शिकायत के बाद अविनाश कांबले ने कुरार पुलिस स्टेशन में मनपा में काम के रुकावट और गाली गलौज एवं दुर्व्यवहार करने का मामला दर्ज कराया है। आइए जानते हैं फेरी वालों का और समाज सेवकों का क्या कहना है। श्री मास्टर 20 साल से रहे, शादी किसी की नहीं शादी है। साहब गाड़ी आते हैं, माल लेके जाते हैं, हम लोग छोड़ा के लेके चले जाते हैं, बाकी उनके साथ में कोई मजमत नहीं होती है। तो पाउडी बनाते हैं, पाउडी बना के हम चार्ज भर के लेके चले जाते हैं। हमारी क्या राय है भाई, उनकी भाई जो है वो अच्छे इंसान है, कांबले साहब है वो अच्छे हैं, ऐसे तो कोई उनके उसके साथ में कुछ होना नहीं चाहिए। अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है तो भगवान जाने। अभी ये सब राजनीति है, राजनीति लोग का काम रहता है। हम लोग आज तक कोई बात ही चीज नहीं होती, तू मैंने भी नहीं हुआ है। जितना माल जाता हम लोग का पाउडी भर के हम लोग छुड़ा कर लाके लेके चले आते हैं, और जब सबसे आए तब से बहुत अच्छा हम लोग का चला है धंधा पानी, कोई तकलीफ नहीं मिला हम लोग को। लेकिन हम लोग तरफ कोई उसका सूचना नहीं मिला अभी तक। हाँ, हम लोग कोई मतलब मालूम ही नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन हम लोग के लिए कोई लफड़ा नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है। अब वो तो वही लोग जाने किसका हाथ है, हम लोग क्या जानते हैं। हम लोग तो अपने इसमें ही फुर्सत नहीं, तो उसका कहाँ मालूम पड़ेगा हम लोग को। बहुत अच्छा माल ले जा आती है गाड़ी, माल ले जाती है, फिर फाइन भर के हम लोग छुड़ा के लाते हैं, माल भी मिल जाता नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। विषय में साहब, हम लोग का इस टाइम हम लोग ठीक है, हम लोग कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई भी साहब आया है तो यहाँ हम लोग से कोई हफ्ता बीतता नहीं मांगता है, और हम लोग को जो साहब आया है मतलब हम लोग को ठीक है, कोई बात है, माल भी छुड़ाते हैं तो पाउडी बना लेते हैं, पैसा हम लोग ऐसा मतलब दे के नहीं छुड़ाते हैं। ठीक है साहब, हम लोग के लिए तो अच्छे हैं, अविनाश कामले हम लोग के लिए अच्छे हैं, हम लोग को जाते हैं तो जो है हम लोग दो आदमी एक आदमी को मिल करके पाउडी बना करके छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, इधर नहीं किया है कुछ भी साहब। अब जो भी करे हम लोग तो उसके लिए नहीं जानते हैं कौन हमारे पीछे पड़ा है, कौन क्या करता है। हम लोग दिन भर मेहनत करते हैं साहब, दिन भर मार्केट रहते हैं, 5 बजे सुबह हम लोग निकलते हैं, अपना मार्केट में ही हम लोग भूले रहते हैं साहब। कौन हमारे पीछे उंगली लगाता है, कौन हमारे पीछे दुश्मनी निकालता है साहब, उसके लिए हमको तो कुछ मालूम नहीं है साहब। अविनाश के ऊपर हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है साहब। हमारे तो अविनाश कामले अगर आते हैं तो हम लोग को माल छोड़ते हैं साहब, पैसा पाउटी बना देते हैं, और गरीबी के हिसाब से 1200 का ऊपर का जो पाउटी बनता है उस तरह से हम लोग को छोड़ते हैं। हमारे तरफ से अगर जो होगा कामले साहब का, हमारे तरफ से कोई उनको गलती नहीं की है तो हम तो उनको हेल्प करेंगे। विभागपूर्ण जो अधिकारी सही ढंग कार्रवाई करते हैं ना, तो नेताओं को पब्लिक को जमता नहीं और उनकी भी कार्रवाई करता है। जैसा कि फुटपाथ पे 150 मीटर पे फेरी वाले रहना नहीं चाहिए, बैठते हैं, और जो नेता बोलते हैं जब कार्रवाई करो, जो कार्रवाई करने जाते हैं तो उन पर ही कार्रवाई करवा देते हैं। और अच्छे अधिकारी कैसे कार्रवाई करें, अब बताइए कार्रवाई कैसे करें। जो उनको सही कार्रवाई करने का मौका दिया जाता है तो करने भी नहीं देते हैं, और नहीं करेंगे तो फिर भी बोलते हैं कार्रवाई करेंगे। यही मगजमारी चल रहा है। अब जैसा मलाड में दिखाया गया कार्रवाई, हॉकर्स का कार्रवाई, वो अधिकारी फ़ोन पे कार्रवाई करते हैं तो इन लोगों को हजम नहीं हो रही कि जो अच्छे अधिकारी उनको तबादला करा देते हैं। नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण ही बात है। हमारे देश के नेताओं को दुर्भाग्य वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अविनाश कांबले ने कम से जब से मलाड में काफ़ी फेरी वालों फेरी माफियाओं पे शिकंजा कसा है। जिस तरह खैरनार साहब थे कामयाब थे, इससे इनका भी लगता है कि दहशत बनता जा रहा था। ये नेताओं को बात दिल में लग नहीं रही थी, इनको ये डर रहा था कि अब इनका तबादला कैसा नहीं कैसा करके हटाया जाए। फिर फेरी वाले से बोलते शिकायत करो, फेरी वाले बोल उन्हीं के पास जाते हैं, एक बार बोलते कार्रवाई करो, एक बार कार्रवाई नहीं करो। और अब मान लो अच्छे अधिकारी कार्रवाई नहीं करें तो क्या करेंगे। अविनाश कामले निर्दोष है, उनका बाइज़त भरा किया जाए, उनका हौसला बढ़ाया जाए। और मैं तो बोलता हूँ कि सारे समाजकर्ताओं के साथ में खड़े रहे, मिलजुल के काम करें, क्योंकि वो ऐसा अधिकारी फोन पे कार्रवाई करते हैं, कोई ऐसा अधिकारी नहीं जो फोन पे कार्रवाई करे। कोई भी उनको फोन करे तो फोन उठा के कार्रवाई करते हैं, शिकायत दर्ज करें, पूरा एक्शन लेते हैं। और नेताजी नेताओं में बोलते हैं जाओ एक्शन लो, वो एक्शन लेते हैं तो बाद फिर वाले बोलते हैं तूने एक्शन गलत लिया, तो गलत सही तो फैसला उनके ऊपर है, तो अच्छे अधिकारी कार्रवाई कैसे करें।